like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नूरुल बदर, जिसको आप YouTube की दुनिया में नूर भाई के नाम से जानते हैं, एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, होम सेंचुरी की हमेशा ये कोशिश रही है कि आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट पेश किया जाए, तो उसी लिहाज से आज मैं मेरठ आया हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये रही छत, बेहतरीन लॉफ्ट जनाब शारिक इस्लाम साहब का। और हमारे इस छत को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शुएब भाई, शुएब खलीफा, और हमारे नदीम भाई, जो कि यहाँ पे पूरी देख रेख करते हैं। जी शुएब भाई, बताइए क्या हाल चाल है? तो मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। हाँ ठीक है ना। और ये भाई हमारे शादमान भाई भाई, और ये हमारे नदीम भाई हैं जी, जो कि इस छत के पूरे केयर टेकर हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, इनकी निगरानी के अंदर सारे कबूतरों का मेंटेनेंस सब चेक होता है, ठीक है ना। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे नूर भाई आए और इंडिया के बिग लॉफ्ट की आज एक नई अपडेट देने जा रहे हैं हम जी, जो कि अलीगढ़ के अंदर हमारी उड़ान होने वाली है नवंबर के अंदर, 17 नवंबर में उड़ाएंगे हमारे चंदन भाई। अच्छा, कितने कबूतर उड़ने वाले हैं ये? 1051। 1000? हाँ जी, इंडिया की, मान लो कि आप एशिया की सबसे बड़ी बिग लॉफ्ट की मतलब उड़ान है ये जी जी, और हाई फ्लायर की, ठीक है ना। और जिसमें कि हमारे 20 नवंबर को हमारे शारिक इस्लाम उस्ताद साहब उड़ाएंगे, ये शो कराएंगे। अच्छा, मतलब अलग अलग दिन में होगी? हाँ जी, अलग अलग दिन में होगी। ओके, ठीक है ना, जिसमें कि हमारे ये नदीम भाई हैं, और यहाँ पर इस टाइम कबूतरों की तैयारी चल रही है, और नदीम भाई ने हमारे परों की थोड़ी सी जी, नदीम भाई कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब तैयारी है, 40 लॉफ्ट बने हुए हैं। हाँ, लगभग 5,500 कबूतर हैं यहाँ। मतलब इस पूरे 40 लॉफ्ट हैं ये सारे अलग अलग, देखिए, और इसमें टोटल 5,500 कबूतर हैं। कबूतर हैं अभी इनके लगभग एक महीना हो गया है पर खिंचे हुए। अच्छा अच्छा, तो ये 5,500 जो कबूतर हैं, तो आप कैसे इनकी केयर करते हैं, खिलाना पिलाना पूरे दिन? टाइम से केयर होती है, और ये 3-4 जने और हैं वो अभी गए हुए हैं फिलहाल। अच्छा, बाकी साफ सफाई वही करते हैं, और दाना पानी टाइम से है, क्योंकि कबूतर का सबसे मेन चीज यही है जी जी जी, के रख रखाव सबसे मेन होता है कबूतर का, उसके बाद में है उड़ाने बाजी। तो अच्छा, थोड़ा हमें लॉफ्ट के बारे में बता दिए, किस तरीके से आपने, किधर से? ये कबूतर हमारे यहाँ से लगभग 8 जाल से और 18 जाल तक तो ये हमारे कबूतर उड़े हुए हैं। बढ़िया, ये नीचे कितने जाल है यहाँ? 18 जाल है, 1 से 18 है। अच्छा, 1 से 4 है ये ऐसे, और 1 से 8 है, 1 से 8 उधर, और फिर ये ऊपर 1 से 10 है। अच्छा, ये अभी नए लॉफ्ट बनवाए, ये ऊपर, ये ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं, आइए एक बार ऊपर से दिखा दें। हाँ जाइए, तो ये देखिए, ऊपर से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी पर खींचे हुए हैं। हाँ, अभी मौसम भी बारिश का हो रहा है। जी जी, तो ये कब से आप फड़क वगैरह कब से शुरू कर देंगे? बस पर पूरे हो जाएंगे तो कुछ कबूतर और अभी उठे बैठे करने हैं, नए कबूतर छोड़ रखे हैं। ये देखिए, ये ऊपर कबूतर, ये भी इसमें 10 हैं टोटल, 10 लॉफ्ट हैं ये, 10 लॉफ्ट हैं। अच्छा, ये देखें साहब, तो लॉफ्ट में, एक लॉफ्ट में कितने होंगे तकरीबन? ये गिनती वाइज तो है नहीं लगभग, लेकिन 150 के करीब मानिए आप। अच्छा, 150। अच्छा अच्छा, ये मानिए आप, बहुत खूब।
सारे नए लॉक्ड है अभी। अच्छा, ये सारा पूरा ऊपर का जो है नया बनाया है, 1051 की नई उड़ान के लिए तैयार किए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है जितनी जल्दी हमारा हिंदुस्तान एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है कि जो नए जितनी जल्दी रिकॉर्ड बनते हैं उतनी जल्दी टूटते भी। जी जी, मुझे आगाज है इससे भी ज्यादा बड़ी उड़ान का। अच्छा, ये जो ऊपर आप लोगों ने ये बनाया है तो जी जी, पिछले साल नहीं था ये? नहीं, पिछले साल नहीं। जो कबूतर उड़ेंगे अब नई नया बन नए नए छत उड़ेंगे। अच्छा, ये देखेंगे साहब, बहुत बढ़िया। और ये ऊपर जो दिया है आपने वो कबूतर बैठने का है, वैसे नए पट्टे भी छोड़ देते हैं उसमें। ये जो है ना, इसको आप बोल दीजिए संतरी। अच्छा, यहाँ पर से बड़ा सब कुछ दिखाई देता है। एक थोड़ा सा ऊपर भी चलते हैं। अच्छा, इस 1000 के अलावा और कोई भी उड़ान है आप लोगों की? 525 की अभी बात चल रही है। 500 प्लस की उड़ान की बात चल रही है जी। अच्छा, 500 प्लस की चल रही है। और एक दो कप में भी उड़ाएंगे। अच्छा, 250 या 150 जो भी कप। अच्छा, और यहाँ के कुछ टूर्नामेंट भी होते हैं क्या उसमें? मेरठ का टूर्नामेंट है लेकिन अभी उसकी तारीख नहीं खुली है। अच्छा अच्छा, तारीख अगर हमारे हिसाब की हुई जी तो हम एंट्री कर देंगे, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें साहब, खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ। थोड़ा वो जो आपने ऊपर बनाया है उसके बारे में बताइए, वो कैसे? वो यही है कि थोड़ी सी छत भी, कबूतर बैठने में दिक्कत नहीं होगी कबूतर को। अच्छा, कबूतर अंधेरे का कबूतर सही बैठ जाता है। हाँ 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 हाँ, बाकी इसमें नए पट्टे भी लगा देते हैं। अच्छा, अब तो फिलहाल पट्टे हैं नहीं, सब खोल गए कबूतर। नया जी, नया कबूतर कोई है नहीं, सब खुले हुए हैं जी। लेकिन ये है कि ये कबूतर अब उठे बैठे करने हैं, पर पूरे हो जाएंगे जब। ये देखिए साहब, तो ऐसे अभी जैसे ये खुला हुआ है, चारों तरफ जंगल जंगल सा नजर आ रहा है, तो यहाँ कबूतर मार भी जाते होंगे? मार बहुत होती है यहाँ पर, जानवर लगभग रोज के कम से कम 10 से 20 कबूतर रोज डैमेज करते हैं। अच्छा, हाँ जी, अरे 10 से 15 कबूतर रोज यहाँ पर जो है शहीद हो जाते हैं जी। अच्छा जी। और बहरहाल देखिए, इस हिंदुस्तान की मैं आपको बात बड़ी के बताता हूँ जी, बहुत मजा आने वाला है इस टाइम, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से इतने पास पास से लेके चले जाते हैं। ओहो, इससे नीचे भी ये समझिए जितनी ये लाइट है ना। हाँ हाँ, इस लाइट के पास से भी उठाकर। ओहो, अच्छा जी जी। बाकी देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि कबूतर खाने में तो मतलब सब लोग कबूतर पालते हैं, लेकिन मैं चीज़ें रख रखाव सही बात, जो कि आज इंडिया के अंदर इतना बड़ा बिग लॉफ्ट होने के बावजूद भी यहाँ इतनी केयर है। हाँ हाँ, कबूतरों को देखभाल सही की जाती है और अच्छे प्रोटीन, अच्छे दाने इनका ख्याल रखा जा रहा है। जी जी जी। और आने वाले टाइम में अब इनके लिए गिजा का तमाम सब कुछ इंतजाम होंगे, क्योंकि कबूतर अभी परपटाई में है। अभी तक पूरे पड़ोस मुल्क के भी कहीं भी इतनी कबूतर अभी तक नहीं उड़ा है। इतनी बड़ी तादाद में तो शायद किसी ने नहीं उड़ा है। बड़ी तादाद में नहीं, 100 कबूतर उड़े थे ईरान में, लेकिन वो उड़ान ऐसी थी कि जैसे झंडे का टाइम खत्म होने पर ही टाइम लग जाता था। 5 घंटे पार का मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में नहीं उड़ने का कोई शौक। सारी बात यह है, ईरानी कबूतर एक हाई फ्लायर, वो तो है, लेकिन उनका शौक अलग था। जी जी जी। हमारा जो है ये हाई फ्लायर, यानी हमारी जो टाइमिंग होती है बॉर्डर के हिसाब से, जी जी, वो ये पहले उड़ान, वो बॉर्डर का हिसाब वो यही है ना, बाहर नहीं है ना वो कहीं? उससे कबूतर काउंटिंग में आता है, उससे पहले जो बैठेगा उसके कोई टाइम नहीं। सही सही सही। तो नूर भाई अब जो है अगली फड़कों में आएंगे इंशाल्लाह और दिखाएंगे, क्योंकि अभी कबूतर दिखाने लायक भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, वो तो क्या है अपना, हमें था कि भाई बहुत मतलब अभी नया लॉफ्ट बनाया तो थोड़ा एक ड्रोन शूट हो जाए, एक लॉफ्ट के बारे में पता चल जाए, और पता चल जाए कौन कौन सी उड़ानें होने वाली हैं। बाकी इंशाल्लाह फ्रेंड्स, जब भी आप जब इसके बाद में आएंगे तो और भी बाजियों का जी जी हो चुकी होंगी जी जी, तो बारे में भी बताएंगे आपको। जी हाँ, तो अभी देखिए अभी स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, तो जैसे ही टूर्नामेंट और जो भी बाजियाँ स्टार्ट होती हैं और उनकी तारीखें रखी जाती हैं तो अपडेट मिलती रहेगी आपको, और इंशाल्लाह जिस दिन वो बड़ी उड़ान होगी उस दिन यहाँ से आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो इंतज़ार ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।